नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में निवेश के कहां कहां पर मौके हैं, आज कम्युनिटी बाजार मंदी की ओर देखने को मिलेगा या तेजी की ओर, जानेंगे रूपा जी से, और ये भी जानेंगे कि आज किन कम्युनिटीज़ में कमाई देखने को मिलेगी। रूपा जी, खाद्य तेलों में सबसे पहले बात की जाए अगर CPO की, तो इंडोनेशिया की सरकार ने CPO पर बैन तो लगा दिया है कि CPO का निर्यात नहीं होगा, और भारत अपने खाद्य तेलों की आपूर्ति के लिए CPO पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड है आयात में, और सबसे बड़ा खाद्य तेलों का आयातक देश भी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर इंडोनेशिया जैसे बड़े उत्पादक देश से CPO का बैन होता है और भारत में इसकी क्यों किल्लत देखने को मिलती है, तो उसका असर बाज़ार पर, खाद्य तेलों के बाज़ार पर और कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, जो अभी बैन लगाया गया है और उसका असर तो सीधा सीधा यही है कि यहाँ पर अब महंगाई बढ़ सकती है और कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि पाम ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, पहले 2008 में और 2011 में पाम के हमने भाव ऊपरी स्तरों पर देखे थे, लेकिन इस बार भाव काफी अपसाइड मोमेंटम में देखने को मिल रहे हैं। और नो डाउट जो इंडिया है वो एडिबल ऑयल का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और इसका सीधा सीधा असर यहाँ पर इंपोर्ट पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसके चलते कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि बैन लगने के फैसले से अभी भाव में तुरंत प्रभाव से अगर देखा जाए 8 से 10% का उछाल दर्ज किया जा सकता है, तो उम्मीद है कि ये तेजी बन सकती है और इसका सीधा असर भारत के ऊपर ये आएगा कि सभी खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। जी, इससे रूपा जी सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर US सोयाबीन वायदा $1700 के नीचे लुढ़का है, लेकिन $1680 के करीब है, अभी $1680 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है, इंडिया में भी अब सोइंग सीजन सोयाबीन का शुरू हो जाएगा कुछ ही टाइम में, तो क्या अब जितनी तेजी सोयाबीन में आनी थी क्या अब वो आ चुकी है, या फिर ये जो ओवरऑल ग्लोबली सोयाबीन की जो सप्लाई है वो टाइट देखने को मिल रही है, उसका वजह से उसकी वजह से यहाँ पे अभी भी तेजी बनने की कुछ उम्मीद है? देखिए, अभी तेजी बनने की बिल्कुल उम्मीद है, सोयाबीन की कीमतों के ऊपर भी उछाल देखने को मिल सकता है। अब देखिए, काफी जगहों पर हम देख रहे हैं कि अदर जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके भी जो है सप्लाई वो इंपैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। काफी जगहों पर हमने देखे कनोला की क्रॉप भी खराब हुई है, और जहां तक ये रूस और यूक्रेन की वजह से सनफ्लावर ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर भी इंपैक्ट आया है और अब CPO के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो सभी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो एडिबल ऑयल पैक का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सोयाबीन और सरसों दोनों की ही कीमतों में उछाल दर्ज किया जा सकता है। जी रूपा जी, मैंथा ऑयल में क्या लगता है आपको? मैंथा ऑयल में देख रहे हैं कि पहले तो 1100 के ऊपर ट्रेड कर रहा था कुछ हफ्ते पहले, लेकिन बीच बीच में जो स्तर है, जो लेवल्स है, वो टूटते भी रहे हैं अब, और अब देख रहे हैं कि 1060 के दायरे में मैंथा ऑयल ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो फंडामेंटल्स मजबूत है तो क्या अब बस डिमांड निकलने की देरी है, या फिर अभी मैंथा ऑयल में थोड़ा टाइम लग सकता है तेजी आने में? देखिए, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो 1100 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा मार्केट, और वहां से हमें लगातार प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी प्राइजेस जो है वो डाउनसाइड में जा सकते हैं। और जिस तरीके की करेक्शन बनी है, ये नीचे में 1040 से 1020 तक मई वायदा में देखने को मिल सकती है। जी, ये सरूपा जी बात करें अगर MCX कॉटन की, तो MCX कॉटन देखने की 44,000 का लेवल दिखाने के बाद अब 43,000 पर आ गई है, आपको क्या लगता है, क्या ये संकेत है कि करेक्शन आने वाली है, शार्प करेक्शन, या फिर यहाँ से जो प्राइसेस हैं फिर से तेजी की ओर चले जाएंगे? देखिए अखिलेश, मैंने पहले भी बताया था कि कपास के अंदर कभी भी करेक्शन का दौर देखने को मिल सकता है, और इसमें खरीदारी से बचना चाहिए, बल्कि लिक्विडेट करना चाहिए माल। मैंने लगातार यही बोला है कि जो प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं, अब सस्टेन हो चुका है मार्केट, तो यहाँ पर आपको एग्जिट लेने की और अपनी सिचुएशन बनानी चाहिए, और आगे चलकर कीमतों में दबाव बना रहेगा क्योंकि इस साल की जो तेजी आनी थी वो आ चुकी है, ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तर पर है, मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, छुटमुट तेजी और बन सकती है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होगा, मुझे लगता है कि आगे चलकर प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। जी, ये सरूपा जी बिनौला खल में क्या लगता है आपको, क्या बिनौला खल में जितनी तेजी आनी थी अब आ चुकी है और अब गिरावट का दौर है?
देखिए बिल्कुल गिरावट है, और मैंने तो 3200 से ही मैंने लगातार बोला है कि इसके अंदर आप इकवाली करके चलिए और नीचे में 2800 तक का संभव है, और वो कल हमने अच्छी गिरावट आते हुए देखी लेकिन आज थोड़ा रिकवर हुआ है मार्केट, तो 2880 तक अब जा सकता है, 2880-2920 तक की तेजी हो सकती है, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, गिरावट आ चुकी है, अगर 2800 के ऊपर की नीचे फिर चल जाता है तो आप इसको 2600 तक भी लुढ़कते हुए देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल तेजी नहीं है, शॉर्ट टर्म वैल्यू में बाजार ऊपर जा सकता है जी। ये सिर्फ मसालों की बात की जाए तो मसालों में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तेजी तो नहीं बन रही है लेकिन बहुत गिरावट भी नहीं आ रही है, मसाले सीमित दायरे में ही है और ऊपरी स्तर पर सीमित दायरे में है, आपको क्या लगता है मसालों में अच्छी तेजी कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए आने वाले कुछ दिनों में तेजी बन सकती है और लगातार हम मार्केट को सस्टेन होते हुए ऊपरी स्तरों पर देख रहे हैं, धनिया हो चाहे जीरा हो, अब देखिए जीरा भी 22,000-22,500 के आसपास सस्टेन है, तेजी है मार्केट में नो डाउट, ये तेजी कभी भी आपको दिखाई दे सकती है, एक अच्छी रही, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और मुझे सभी मसालों में तेजी दिखती है, मेरे हिसाब से हल्दी भी आगे चलकर 9800 से 10,000 का स्तर छू सकती है जी। जी देख रहे हैं कि ग्वार का बाजार भी ठीक ठाक ट्रेड करता नजर आ रहा है, ऊपरी स्तर पर ग्वार का बाजार अभी भी टिका हुआ है, आमतौर पर देख रहे थे 2021 तक कि ग्वार गम और ग्वार सीड का जो वायदा बाजार है तेजी के बाद धड़ाम हो जाता था, लोअर सर्किट लगते नजर आते थे, लेकिन इस बार इसका उल्टा ही नजर आ रहा है, एक तरफा तेजी ग्वार के बाजार में देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है क्या अभी ग्वार और तेजी दिखाएगा? देखिए ग्वार गम में तेजी जो है वो कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि 13,000-13,500 के ऊपर जा सकता है और सस्टेन है मार्केट तो ऊपर में, आप मान के चलिए कि 13 के ऊपर निकलता है तो 15,000 के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। ये से रूपा जी गेहूं में क्या लगता है आपको? हम देख रहे हैं कि गेहूं का निर्यात तो अच्छा खासा हो रहा है लेकिन जो कृषि विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका इस वीट एक्सपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं उनमें एक डर भी है, उनका ये मानना है कि जो भारत से गेहूं का निर्यात किया जा रहा है वो एक प्लान्ड नहीं है, निर्यात एक्सपोर्ट डिमांड है लेकिन वो एक बैलेंस में नहीं जा रहा है, जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उतना ही भेजा जा रहा है, तो ऐसे में उन्हें डर है कि कहीं भारत को आगे ऊंची कीमतों पर गेहूं आयात न करना पड़ जाए, तो आपको क्या लगता है क्या इस पर अभी सरकार को कुछ विचार करना चाहिए? देखिए अभी इस पर मैं कोई नहीं कुछ कहना चाहूंगी लेकिन हाँ बिल्कुल अभी प्राइजेस जो है वो तेजी की तरफ है और ऊपर में बने रह सकते हैं, जो डिमांड निकल रही है उस डिमांड के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा खासा है और अगर डिमांड पिकअप हो रही है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस ऊपर बने हुए हैं, और ये जो रूस और यूक्रेन का जो वॉर छिड़ी हुई है इसी की वजह से ज्यादा सपोर्ट जो है वो कीमतों को आता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ही यहाँ पर ईज़ ऑफ होगा प्राइसेस जो है वो स्टेबल होते नीचे दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट तेजी में बना रह सकता है जी। रूपा जी एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देने चाहेंगे आप? देखिए एग्री कमोडिटीज में मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ग्वार और मसालों में ही खरीदारी की तरफ रहना चाहिए, यही कमोडिटी ऐसी है जो आपको आगे आने वाले दिनों में मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि कम्युनिटी बाजार आज सुबह में के कार्रवाई सत्र में कैसा खुलता नजर आ रहा है और कम्युनिटी बाजार आज मंदी की ओर रहेगा या तेजी की ओर। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर का दौर लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।